तो पावर बी की क्लास में हम बात कर रहे हैं फंक्शंस के बारे में, डैक्स फंक्शन के बारे में, और हम बात करेंगे सबसे पहले ऑल फंक्शन के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे डेटा है, मुझे नेम वाइज, जो मेरा नेम है, नेम वाइज मुझे अपनी क्वांटिटी का टोटल निकालना है। तो सर बोले इसमें इसमें हमें फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है, हम यहीं पे टेबल अपना डैशबोर्ड पे ही टेबल ले लेंगे, और टेबल लेने के बाद हम यहीं पे क्या करते हैं, नेम डाल देते हैं, और नेम पे हम यहीं पे आपको क्वांटिटी कर देते हैं। तो नेम वाइज क्वांटिटी तो हमारा यहीं पे निकल जा रहा है। तो सर बात यह है कि क्वांटिटी के बाद इसमें कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि मुझे इस पे आय निकालना है, कमीशन निकालना है, और जीएसटी वीएसटी वगैरह कुछ और निकालना है। तो बोले सर तो दिक्कत है, आप बोलेंगे सर तो हम इसमें भी कर सकते हैं ना मार्टेबल में। तो क्या है कि सर इसमें तो क्वांटिटी मतलब कि 151 पे होगा ना, हमारी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशंस है जिसके अकॉर्डिंग करना है, इसलिए हमें टोटल के अकॉर्डिंग ही करना है। सो कैसे करें टोटल, तो यहाँ पे आप न्यू यहीं पे कॉलम में टेबल टूल्स पे आइए, और यहाँ पे न्यू टेबल पे क्लिक कीजिए। न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपका फॉर्मूला पूछेगा। तो आपके पास जैसे मुझे चाहिए, मान लीजिए नेम बाय चाहिए, तो NM के नाम से फॉर्म में डेटाबेस बना रहा हूँ, और इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया ऑल। ऑल अब कौन सा डेटा का, तो मुझे किस डेटा का क्या चाहिए, तो मेरे डेटा का हमने बोल दिया कि नेम चाहिए। तो ये क्या करेगा कि सारे नेम को, हेड काउंट को, यूनिक हेड काउंट को यहाँ डाल देगा। वैसा नहीं कि पूजा 10 बार है तो 10 बार आएगा, पूजा यहाँ एक बार ही आएगा। तो जो भी यूनिक हेड काउंट है आपके डेटा में उसको यहां निकाल के आपको दे दिया, राइट सर? क्लियर है आपको सर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। मुझे इसकी क्वांटिटी चाहिए, मुझे इसकी क्वांटिटी चाहिए। तो यहां हम क्या करेंगे, न्यू कॉलम ऐड करेंगे, और यहां पे हम QTY क्वांटिटी, और इसमें हम देंगे फॉर्मूला अपना सम एक्स का। और सम एक्स का फॉर्मूला होगा तो फिल्टर देना हो, क्योंकि सम एक्स में कंडीशन, सम एक्स का फॉर्मूला क्या करता है, नहीं समझे, कि मुझे एक पूरी की पूरी डेटा में से बेस में से किसी एक फील्ड को कॉपी का सम चाहिए, वो सम एक्स का यूज कर किया जाता है। लेकिन फिल्टर क्या करता है, सम एक्स को डेटा जो देता है वो फिल्टर करके देता है, उससे एक सम इफ की तरह फिलिंग हो जाती है। तो हमने बोला कि नेम, डेटा का नेम इक्वल टू NM नेम, और हम यहां पे एंटर प्रेस करते हैं। आ गया, और एक मिनट, और हाँ यहां पे हमने बताया ही नहीं ना कि किसका सम चाहिए, एक्सप्रेशन बताना होता है, तो क्वांटिटी डेटा की क्वांटिटी का सम चाहिए। तो सम एक्स फॉर्मूला समझ में आया क्या होता है सर? बेसिकली सम एक्स फॉर्मूला का यूज जो होता है ना सर, वो डैशबोर्ड पे होता है, अगर आप बोले तो डैशबोर्ड पे। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ओवरऑल टोटल चाहिए, राइट ना, तो यहाँ पे हम क्विक यहाँ पे न्यू मेजर्स में जाएंगे, और यहाँ पे हम टोटल क्यू क्यू वाई क्वांटिटी, और मैं यहाँ सम एक्स में हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया, और हमने बोला कि मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए। तो यहाँ पे एक देखिएगा, मैं न्यू मेजर्स है, मेजर्स जो आपका टोटल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको शो करने के लिए आप जो है यहाँ से कार्ड जो दिख रहा है, कार्ड, इस कार्ड को लीजिए, और इस कार्ड के ऊपर टोटल क्वांटिटी को रख दीजिए। आ गया सर 199 के। इसी तरह से आपको सम एक्स का है, इस तरह से आपका यहाँ पे काउंट एक्स का फॉर्मूला है, सेम तरीके से लगता है। सर इसमें लैख में फिगर लाना हो, डिवाइडेड बाय 1 लैख, तो बोले डिवाइडेड बाय 1 लैख किसे करना हो तो? नहीं सर, वो
यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो ऊपर जो है ऊपर उसकी रिजल्ट से डिवाइड बाय 1 कर दीजिए, ठीक ओके है ना, यहाँ ऊपर हाँ कर सकते हैं ना आप। हाँ तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आ गई, सम एक्स काउंट एक्स कर दिया आपने, सम एक्स काउंट एक्स। अब यहाँ पे काउंट ए एक्स मतलब कि ए आपका करेक्टर और नंबर दोनों का काउंट करेगा, काउंट जो था काउंट एक्स जो था सिर्फ नंबर का काउंट करता है। तो आपने सम एक्स यहां पे दो चीज फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले पढ़े, सम एक्स, उसके बाद आपने पढ़ा काउंट एक्स, काउंट ए एक्स, ऐसे आपका एवरेज एक्स है, ये आपको एवरेज निकाल के देता है, लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। उसी के बाद आपको यहां पे मैक्स, मैक्स फॉर्मूला मैक्स में निकालता है, मैक्स ए आपका ट्रू एंड फॉल्स दोनों कंसिडर करता है, मैक्स एक्स जो है वो आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग पूरा डेटा भी डाले और देता है, हालांकि विदाउट फिल्टर। अभी जो हम कर रहे हैं मैक्स और मैक्स एक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैक्स एक्स के अंदर जो हम फिल्टर का यूज करने पे क्या होता है, हमारा डेटा अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, आपको आपके कंडीशन के हिसाब से वो सब शॉर्ट करके दे देता है, इसलिए मैक्स एक्स का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे मीन एक्स है। बैक टू इस पे आते हैं डेटा, हमने क्वांटिटी ले ली। अब मैं यहां पे न्यू कॉलम ऐड करता हूं, मुझे इसका काउंट भी चाहिए कि टोटल क्वांटिटी बिल का, कि बिल कितने हुए, कितने बिल जनरेट किए गए हैं। तो मैं यहां पे काउंट एक्स, और फिर यहां पे हमने क्या किया, हमने यहां पे फिल्टर फॉर्मूला लिया, फिल्टर में हमने डेटा को लिया और हमने बोला कि नेम इज इक्वल टू एनएम नेम, इसको हमने क्लोज कर दिया। इस पे मैं फिर वही गलती कर दी हमने, हमने लास्ट में किसका काउंट चाहिए वो हमने निकाला ही नहीं, तो मुझे मान लीजिए नेम का काउंट चाहिए। अब इससे मुझे एक कंडीशंस लगाने हैं कि अगर बिल जो है 400 से ऊपर है, मतलब 400 से ऊपर बिल है, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 20 होगा, मैं 20 रुपीज पर कमीशन हमें देना है, यहाँ पे कमीशन मुझे निकालना है। कंडीशन दिया और इफ कंडीशन में हमने यहां पे बोला कि बिल बिल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400, तो क्वांटिटी एनएम का क्वांटिटी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 20 अदरवाइज 0। इसको हमने निकाला और फिर हम अपने डेटाबेस में इसको एज ए चार्ट या एज ए टेबल आप रख सकते हो, विजुलाइजेशन अपने हिसाब से चूज कीजिए और उसमें आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दो टेबल आपका बना हुआ है, इसको एक्सपेंड कीजिए, मैंने यहाँ पे नेम डाला, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाला, मैंने यहाँ पे बिल डाला, मैंने यहाँ पे कमीशन डाला। सर तो हम नया टेबल बनाते हैं, अब यहाँ पे देखिए हम जो नया टेबल बनाते हैं उसको बनाने का दो पर्पस होता है। पहला पर्पस होता है कि जब हम स्लाइसर का इस्तेमाल करें, जब हम स्लाइसर का इस्तेमाल करें, जैसे हमने स्लाइसर लिया यहाँ पे वहाँ गया स्लाइसर, हाँ इधर स्लाइसर, तो स्लाइसर में अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को मैंने इसमें रखा, अगर मैंने अब इसको यहां से ड्रॉप डाउन कर दीजिए आराम से छोटा हो जाएगा। अब मैंने यहां से मान लीजिए सीडी को सीडी सेलेक्ट किया, यहां पे सीडी सेलेक्ट किया, तो सीडी का डेटा सिर्फ इस पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ना, तो यहां देख सीडी सेलेक्ट किया, यहां देखे डबल टू आ गया 1 नंबर लाइन था ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
क्योंकि ये डिफरेंट टेबल है, हालांकि है तो ओरिजिनल टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हमने उसको डिफरेंट टेबल बनाया। समझे आतिश जी? यस सर, मतलब कि नया टेबल से हम करेंगे तो उसके लिए अलग से लगेगा, ऐसा जी जी ना? जी तो ऑल फॉर्मूला क्या करेगा, आपको किसी एक लिस्ट को अलग कर देगा जिसके बिहाफ पे आपको समरी क्रिएट करना है, फिर आप सम एक्स काउंट एक्स में फिल्टर फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप यहां से इसका यूज कर सकते हो, राइट। राइट सर। अब आप लोग क्या करें कि ये फॉर्मूला जो मैंने बताया, जैसे एक्सेल में वी लुकअप होता है ना सर, ऐसे यहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये फॉर्मूला सम एक्स फिल्टर का। तो आप जो है इसको एक बार प्रैक्टिस करें और मुझे प्रैक्टिस शीट को भेजें, ठीक है सर, ठीक है? प्रैक्टिस शीट मुझे भेजें सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू।